छत्तीसगढ़ में चुनावी साल में सियासी पारा हाई है और इस बीच स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के एक बयान ने इस गर्मी को और बढ़ा दिया है। बाबा ने कहा कि कई पार्टियों ने उनसे संपर्क किया, उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश की। इस बयान पर अटकलों का बाजार गर्म हो चला है। बीजेपी ने भी प्रतिक्रिया दी और बयान पर अपना अलग नजरिया भी पेश कर दिया। कई दलों ने संपर्क किया, एक सच्चाई है कि क्योंकि ये कैसा सार्वजनिक तौर पे कहने की बात थी। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के इस बयान से सियासी हलचल मच चुकी है। हालांकि बाबा ने ये साफ कर दिया कि वे कांग्रेस छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, लेकिन सवाल तो फिर भी उठेंगे, आखिर चुनावी साल में सिंहदेव पर कौन डाल रहा है डोरे? कांग्रेस में कौन करना चाहता है सेंधमारी? वो कौन सी पार्टियां हैं जिन्हें बाबा में गुंजाइश नजर आ रही है? हालांकि बाबा किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन अटकलों का बाजार गर्म है। ऑपरेशन लोटस की बात नहीं है। देखिए, अगर कहीं किसी को लगता है कि गुंजाइश है तो हर राजनीतिक दल पहल करता है, तो उसी पहल के तहत घर के अंदर की बात थी, सार्वजनिक नहीं कहना था, वो लगता है सार्वजनिक ही हो गई, तो मैंने वो सारी बातें बताई कि मैं कांग्रेस छोड़ के किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाऊंगा। जवाबदारी जैसी मिलेगी मैं काम करूंगा। और कई दलों ने संपर्क किया, एक सच्चाई है कि क्योंकि ये कैसा सार्वजनिक तौर पे कहने की बात नहीं, उनके लिए भी पार्टी प्राइवेट मुलाकात थी, मुझे सार्वजनिक मैं कह भी नहीं सकता, नाम भी नहीं ले सकता, लेकिन जरूरी सही बात है कि सबने संपर्क किया था। तो एक चर्चा राजेश भाई ने छेड़ दी थी कि भाई बाबा ने बोला है कि 100 जनों में भाजपा नहीं जाऊंगा, मैं कुछ नहीं बोलता तो वो बात आधी सी रह जाती, तो मैंने पूरा खुलासा किया कि सच्चाई है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को कोई भी झटका बीजेपी के लिए फायदा है, तो टीएस सिंहदेव का बयान कहीं इस ओर इशारा तो नहीं कि चुनावी साल में बीजेपी ने उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिश की है? इस सवाल का जवाब तो सिंहदेव ही दे सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने अपना रुख साफ किया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सिंहदेव के इस बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ऐसी क्या नौबत आई कि बाबा को सफाई देनी पड़ गई। नारायण चंदेल ने कहा कि हो सकता है बाबा कांग्रेस में उपेक्षा झेल रहे हैं। बाबा को यह कहने की आवश्यकता क्यों पड़ रही? बाबा को ऐसी क्या स्थिति पैदा हो गई जो इस बारे में सफाई दे रहे हैं? जिसको देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो चाहे अन्य राजनीतिक दल हो, बाबा में कोई संभावनाएं दिखती होंगी ना। बाबा को इस प्रकार के बयान की आवश्यकता क्यों पड़ी, सार्वजनिक बयान की? मुझे लगता है कि बाबा कांग्रेस में भारी उपेक्षा का दर्द झेल रहे हैं, और हो सकता है बेचारे सार्वजनिक बयान नहीं कर सकते, अच्छे आदमी हैं, कमरे में जाकर के सिसकते होंगे। चुनावी साल में जोड़ तोड़, दल बदल नई बात नहीं है। पार्टियां अपने फायदे के लिए दूसरे दलों के नेताओं पर डोरे डालती ही हैं। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी वही रणनीति अपनाई जा रही है? युगल तिवारी, न्यूज 18, रायपुर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर।